या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। अनस भाई की तरफ से एक सवाल था, सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ास तौर से शादीशुदा लोगों के लिए। सवाल इनका यह है कि हैज़ मुकम्मल होने के बाद और गुस्ल करने से पहले क्या औरत के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं ताकि एक ही बार में औरत गुस्ल करे तो वो दोनों गुस्ल उसके अदा हो जाएं, यानी वक्त बचाने के लिए या दो बार नहाने से बचने के लिए लोग इस तरीके का मामला करते हैं। बहुत सारे के हैज़ पूरा होने के बाद हम बिस्तरी करते हैं ताकि एक ही गुस्ल में काम हो जाए, तो इसमें जायज़ होने ना होने की क्या क्या सूरतें हैं, वो अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। पहली सिचुएशन ये होती है कि अगर औरत का हैज़ जो है ना मुकम्मल 10 दिन का है और 10 दिन के बाद उसका हैज़ पूरा हुआ, तो क्योंकि हैज़ के दिन 10 दिन के ही होते हैं, अब इसके बाद हैज़ आने का कोई चांसेस नहीं होता, तो इस सूरत में हैज़ के पूरा होने के बाद गुस्ल से पहले हम बिस्तरी की जा सकती है। और लेकिन बेहतर यही है, मुस्तहब यही है कि गुस्ल कर लिया जाए, गुस्ल के बाद ही जो है ये मामला ताल्लुकात वाले कायम किए जाए। लेकिन बिलफर्ज़ अगर कोई करता है तो वो शख्स गुनाहगार नहीं है जबकि हैज़ 10 दिन का मुकम्मल हो गया। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि 10 दिन का हैज़ नहीं आता लेकिन अपनी आदत के मुताबिक 6 दिन या 5 दिन जो भी है वो पूरा हो गया, तो इस सूरत में कि जब औरत का हैज़ जो है वो मुकम्मल अपनी आदत के हिसाब से पूरा हो और वो आदत 10 दिन से कम हो, तो इस सूरत में औरत के साथ हैज़ के फ़ौरन बाद हम बिस्तरी जायज़ नहीं है जब तक वो गुस्ल ना कर ले। अगर किसी मजबूरी के तहत गुस्ल नहीं कर पाती, मिसाल के तौर पे नहीं नहाना चाहती, हैज़ पूरा हुआ या और नमाजी परहेज़गार नहीं है, अगर उसका हैज़ 8 दिन में पूरा हो गया, अगर नहीं नहाना चाहती तो कम से कम जिस वक्त में पाक हुई वो वक्त पूरा नमाज का गुजार दे। मसलन ये कि अगर वो रात को पाक हुई तो रात का इशा का वक्त है, पूरा नमाज का वक्त इशा का गुजार दे और गुस्ल ना करे, तो फिर सुबह उसके साथ हम बिस्तरी करना जायज़ होगी बग़ैर गुस्ल किए। या फिर गुस्ल करने पे कादिर नहीं है औरत, तयम्मुम कर सकती है, तयम्मुम करके नमाज भी उसने पढ़ ली एक टाइम की, किसी वजह से उसके ऊपर पानी पे कादिर नहीं थी, तो इस सूरत में भी बग़ैर गुस्ल के उसके साथ हम बिस्तरी की जा सकती है। और एक सूरत ये होती है कि नमाज का वक्त तो इतना, जब वो पाक हुई तो इतना तंग था कि अब वो गुस्ल करने के बाद नमाज मुकम्मल नहीं पढ़ सकती, यानी अल्लाहु अकबर भी कम से कम नहीं कह सकती गुस्ल के बाद, तो फिर अगली नमाज का वक्त निकल जाए, तो औरत के साथ जो आदत वाले केस होता है, आदत वाले मामले में कि जहां औरत 10 दिन से पहले पाक होती है, मसलन 4 दिन 5 दिन या 6 दिन, तो उसमें पाक होने के बाद अगली नमाज का वक्त निकल जाए उसके बाद हम बिस्तरी कर सकते हैं, गुस्ल से पहले नहीं कर सकते, और वो भी गुस्ल औरत जो है ना कर ले या फिर गुस्ल करके नमाज़ पढ़ ले अगर वक्त निकालना नहीं चाहता, क्योंकि नमाज़ का जानबूझकर कज़ा करना ये हराम है, लेकिन अगर कोई वक्त निकालना नहीं चाहता तो औरत गुस्ल करके नमाज़ पढ़े, नमाज़ के बाद हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये दूसरी सूरत है। और इसमें तीसरी सूरत ये होती है जिसके अंदर अक्सर लोग मुब्तला होते हैं गुनाह के अंदर, कि औरत के हैज़ की आदत का दिन जो है वो 5 हो और वो उससे पहले ही पाक हो जाए, यानी उसका हैज़ उससे पहले ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी की आदत 6 दिन चलती आई है, वो 5 दिन में पाक हो जाए, तो ऐसी सूरत में 5 दिन मुकम्मल होने के बाद औरत गुस्ल करके नमाज़ पढ़े उसके बाद भी आदमी को हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है जब तक आदत के दिन उसके मुकम्मल ना हो, मसलन जब तक छठा दिन पूरा ना हो जाए, 6ठे दिन के बाद ही उसको हम बिस्तरी करना जायज़ है। इस सूरत में बहुत सारे कपल जो है ना मुब्तला होते हैं कि औरत को 8 दिन का हैज़ आता है और पिछले महीने भी 8 खाते, लेकिन इस महीने अगर 6 दिन के अंदर ही उसका हैज़ बंद हो गया तो 6 दिन के बाद इसने गुस्ल करा, गुस्ल के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना इन्हें हम बिस्तरी की आदमी के साथ, तो ये भी जायज़ नहीं है, इसको भी 8 दिन तक रुकना था। और ये तीसरी वाली सूरत वो है कि जो लोग इससे आगाह नहीं होते, तो बेहतर ये है कि आदत के दिन का इंतज़ार करना चाहिए और उससे बेहतर ये है कि 10 दिन मुकम्मल हो जाए ताकि तमाम शक्शुबा दूर हो जाए, लेकिन अगर कोई पहले भी करना चाहे तो ये सूरतें हैं जो वीडियो के अंदर बयान की गई हैं। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्मे दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।